जो भी बोलो जैसे भी बोलो, अंडमान का वेदर है बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा बारिश थोड़ा सा सन। कुछ भी नहीं था, अचानक बारिश शुरू हो गया। अभी मॉर्निंग का 5 बज रहा है और बारिश हो रहा है कंटिन्यू। अभी हल्का ड्रिजलिंग हो रहा है, कुछ देर पहले खतरनाक बारिश हो रहा था। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बारिश होने के कारण अभी जो टेम्परेचर यहाँ का हो गया है वो मतलब अप्रॉक्सीमेट 28 डिग्री हो गया है, मतलब हल्का है, प्लेजेंट वेदर का टेम्परेचर हो गया और बहुत ही अच्छा है। ये टेम्परेचर रहने से तो हम लोग जो फील्ड वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो फिलहाल अभी चलते हैं। एक्चुअली क्या है, कल मैंने अपने सामने वाला जो कैमरा है फ़ोन का उससे वीडियो बनाया, लेकिन उसका साउंड क्वालिटी उतना खास नहीं होता है। पीछे का कैमरा में जितना अच्छा ऑडियो कैप्चर करता है, क्योंकि पीछे का कैमरा 4K क्वालिटी वीडियो कैप्चर करता है, तो इसलिए ऑडियो भी अच्छा होता है। सामने 720 पिक्सल होता है जिससे ऑडियो उतना अच्छा उसमें बनता नहीं है। तो अंडमान में चलने के लिए छाता और रेनकोट हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश कब होगा किसी को पता नहीं है। जो भी बोलो जैसे भी बोलो, अंडमान का वेदर है बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा बारिश थोड़ा सा सनलाइट, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर है। और डेस्टिनेशन हिसाब से तो बहुत ही अच्छा, लेफ्ट साइड में समुंदर, राइट साइड में पहाड़ वगैरह। तो ऐसा मेन लैंड में देखा जाए तो वाइजैक, आईलैंड में देखा जाए तो अंडमान, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। ब्लॉगिंग सेटअप जो लगाऊंगा यहाँ पे ये जगह में, मैं अपना ब्लॉगिंग सेटअप लगाऊंगा सोच रहा हूँ। अभी घर जाके बहुत सारा काम है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके साथ कार्डियो भी करना है, कार्डियो एक्सरसाइज, क्योंकि कल मेरा चीट मील डे था तो आज तो कार्डियो करना ही है। कार्डियो मतलब सोचता था कुछ हार्ट का एक्सरसाइज है, क्योंकि लेग का एक्सरसाइज होता है, मसल का एक्सरसाइज होता है, तो उसी हिसाब से मैं सोचता था कार्डियो एक्सरसाइज मतलब, जैसे कार्डियो मेडिकल लैंग्वेज में बोलता है कार्डियो मतलब हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होने से उसको कार्डियो डिपार्टमेंट बोलता है। सो मैं उसी लिए सोचता था कि शायद से हार्ट का कुछ एक्सरसाइज है, लेकिन नहीं, कार्डियो मतलब नॉर्मल वार्म अप वाला एक्सरसाइज होता है। उसमें क्या होता है, आपका मार्सल जो है, ठीक है, ये सब मास्कुलर जो है वो पंप होते रहता है, धीरे धीरे पंप होना रहता है, अपना अपना जगह में फिर से फिट होना लगता है। क्योंकि बहुत दिन के बाद अगर आप जिम छोड़ देते हो या नया स्टार्ट करते हो तो पहले पॉस्चर को ठीक करना होता है, तो उसके लिए कार्डियो होता है। सो कार्डियो हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमेशा कार्डियो करना चाहिए अगर वेट लिफ्ट। सो ऐसा प्लेजेंट वेदर में मतलब काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है, मतलब यहाँ पे रह के ना लिटरली फील हो रहा है। अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ जब बारिश हो रहा है, ऐसा वाला पहले फील नहीं होता था, अभी फील हो रहा है। गैंगटॉक में जैसा वाला वेदर होता है वहाँ पे 12 डिग्री रहता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो गर्म है उसी हिसाब से यहाँ पे जो फील होता है ना, गैंगटॉक वाला एक फील आता है। तो यहाँ पे मेरा फ्लफी ऑमलेट बन रहा है और यहाँ पे मेरा हॉर्लिक्स बन चुका है। सो प्रोटीन एकदम भर के एकदम प्रोटीन है। अभी ये खा के मैं फटाफट निकलता हूँ, मेरा को काम पे भी जाना है, टाइम हो रहा है। क्यों पता नहीं, मैं जब भी ये रास्ता से ट्रैवल करता हूँ एक अलग सा फीलिंग होता है, क्योंकि एक शीशोर का रास्ता है, एक साइड में रास्ता है, एक साइड में समुंदर, वो अलग ही फीलिंग। और व्यू अभी तो खतरनाक पूरा एकदम किलर वाला व्यू। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt। होता है यहाँ का बारिश, जब बारिश आता है ऐसा सफ़ेद हो जाता है, फिर मूव होता है, धीरे धीरे क्लियर होता रहता है। Did you feel the way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. बेसिकली मेरे को ये वाला पनीर मिला कोलकाता के जैसा, एकदम सॉलिड वाला, बनाया वाला, पैकेट वाला नहीं। और ये पनीर टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मेरे को यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में मेरे को ये वाला पनीर मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा लाल वाला फ्राई नहीं होगा, ऐसा लाल लाल फ्राई नहीं हो जाएगा, तब तक इसको फ्राई करते रहना है। और ओरिजिनल जो पनीर होता है दही से, मतलब दूध से जो बनता है ओरिजिनल वाला पनीर, जो ऐसे मिलता है जो मैंने दिखाया, ऐसा वाला पनीर जब तेल में जाएगा ना, उसका एक अलग ही, मतलब बोल नहीं पाएंगे, मुंह में ऐसे ही पानी आ जाएगा, ऐसा वाला फ्लेवर निकलता है। तेल में जैसे ही डालोगे वैसे ही फ्लेवर। तो अभी यहाँ पे पनीर का सब्जी बन रहा है और मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी ये ब्लॉग को एडिट करना पड़ेगा, ब्लॉग को रिलीज़ करना पड़ेगा, बहुत सारा काम पेंडिंग है।
सो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ऐसे ही प्यार करते रहो। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.